भारत का एक समृद्ध और बड़ा इतिहास है जो हजारों साल पुराना है। लगभग 1000 साल पहले भारत एक समृद्ध संस्कृति और बहुत अच्छी इकोनॉमी के साथ राज्यों और साम्राज्यों की भूमि थी। इस समय के दौरान भारत पर चोल, पांड्य और चालुक्य के साथ कई शक्तिशाली राजवंशों का शासन था। ये राजवंश अपनी सेना शक्ति, अपनी कलाओं और विज्ञान के लिए जाने जाते थे। उदाहरण के लिए, चोल अपनी नौसैनिक शक्ति और पड़ोसी भूमि पर उनकी विजय के लिए जाने जाते थे। उन्होंने शानदार मंदिर, महल और कई स्ट्रक्चर्स बनाए जो आज भी खड़े हैं, जैसे तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर। चोल साम्राज्य का मैप कुछ ऐसा दिखता था। दूसरी ओर पांड्या अपने व्यापार और वाणिज्य, यानी किसी भी चीज को बड़े स्केल पर खरीदने या बेचने के लिए जाने जाते थे, और उनके बंदरगाह दुनिया के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से कुछ थे। उन्होंने प्रभावशाली मंदिर और अन्य संरचनाओं का भी निर्माण किया, जैसे मदुरै में मीनाक्षी मंदिर। चालुक्य अपनी आर्किटेक्चरल अचीवमेंट के लिए जाने जाते थे, विशेषकर चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिरों के क्षेत्र में। उन्होंने भारत में कुछ सबसे प्रभावशाली गुफा मंदिरों का निर्माण किया, जैसे कि कर्नाटक में बादामी गुफा मंदिर। इस समय के दौरान भारत महान शिक्षा और विद्वता की भूमि थी। नालंदा और तक्षशिला के विश्वविद्यालय विश्व भर में प्रसिद्ध थे और दूर दूर से छात्र अध्ययन के लिए आते थे। इस दौरान कला और साहित्य का विकास हुआ। संस्कृत महाकाव्य रामायण और महाभारत इसी अवधि के दौरान लिखे गए थे। साथ ही कविता, गद्य के कई अन्य कार्य भी इसी अवधि के दौरान लिखे गए थे। मुगलों के आक्रमण से पहले भारत एक सुंदर और संपन्न देश था। आक्रमणकारियों ने भारत के कई खूबसूरत मंदिरों को तोड़ा और उन्हें लूटा। कुल मिलाकर 1000 साल पहले भारत महान धन, शक्ति और संस्कृति की भूमि थी। यहाँ के लोग कला, विज्ञान और साहित्य में अपनी उपलब्धियों के लिए जाने जाते थे और इसके शासक दुनिया में सबसे शक्तिशाली थे। दोस्तों, अगर आपको भी भारत के महान इतिहास के बारे में जानकर गर्व हुआ हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल कॉमन सेंस को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।